पे फिर से आप लोग का स्वागत है अपने सेफ्टी मित्र चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं मोबाइल क्रेन में जो एंटी टू ब्लॉक डिवाइस जो होता है उसका क्या काम होता है और इंटरव्यू में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपको दिख रहा है दोस्तों, एक ब्लैक सा दिख रहा है ऊपर में ब्लैक सा, वो उसको बोलते हैं एंटी टू ब्लॉक डिवाइस। एक हो गया, दूसरा ये ऑक्सिलरी हुक में, दूसरा क्या है मेन हुक में, ये देखिए ऊपर में है एंटी टू ब्लॉक डिवाइस। तो एंटी टू ब्लॉक डिवाइस जो होता है दोस्तों, ये अभी ढीला जैसा लग रहा है ना, ये देखिए ये ऐसे ढीला लग रहा था, ऐसा ढीला नहीं होता, ये टाइट रहता है। ये देखिए ये जो इसके अंदर जो लगा हुआ है ना रोप है, इसको इस तरह टाइट खींचा हुआ रहता है, ये एकदम टाइट, जिस तरह ये रोप दिख रहा है आपको जिस तरह टाइट है ना, उस तरह ये भी एक टाइट रहता है। ये ऑक्सिलरी हुक और ये जो इसका जो रिंग है, जो रिंग अटैच है किसमें, ये एंटी टू ब्लॉक डिवाइस में, वो इसलिए अटैच है दोस्तों ताकि वो इस तरह खींचा हुआ रहेगा, इस तरह खींचा हुआ रहता है ताकि जैसे ही ये हुक, जैसे ही ये ऑक्सिलरी हुक या जैसे ही ये मेन हुक इस रिंग से टच होता है तो ये ढीला पड़ जाता है। ये अभी क्या है, ये टाइट है, लेकिन जैसे ही ये हुक इसमें टच होगा ये उड़ जाएगा, ऐसे ढीला हो जाएगा, इट मीन्स ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा इट मीन्स ये फ्रीज हो जाएगा। एंटी टू ब्लॉक डिवाइस का काम ये है कि जैसे ही वो लूज़ पड़ेगा, जैसे ही ये लूज़ होगा ये जो मोबाइल का जो फंक्शन है उसको फ्रीज़ कर देगा। उसमें रीज़न क्या है दोस्तों, ताकि गलती से भी ये जो हुक है या मेन हुक है उसका वो ये जो रोप है वो उसमें जाकर टच ना हो और प्रेशर की वजह से ये टूट ना जाए। जैसे ये टूटेगा जो भी लोड इसके अंदर लगा रहेगा वो लोड दोस्तों गिर जाएगा। तो इसको सेव करने के लिए जैसे ही इतना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जितना आप ये देख रहे कितना होगा, मेरे ख्याल से एक मीटर या एक मीटर के कम जो भी इसका लेंथ है, इतना लेंथ गैप रहता है ताकि गलती से भी हुक इससे ऊपर ना जा सके। दोस्तों आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।